फ्रेंड्स वेलकम टू आवर साइंस क्लास आज हम क्या पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ठीक है हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर दिए थे मैंने आपको ठीक है आई होप आप लोगों ने भी रेड कर लिए होंगे आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ये नाम से ही पता चल रहा है ये हमारी बॉडी में क्या करता है सर्कुलर करता है ब्लड को सर्कुलेट करता है ठीक है इट इज़ द ब्लड इन अवर बॉडी टे दैट टेक्स फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये हमारे जो ब्लड रहता है हमारी बॉडी में जो ब्लड रहता है उनमें क्या करता है फूड्स को ऑल पार्ट तक पहुँचाता है इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ठीक है और ये हमारी सारी बॉडी पार्ट्स में सब वेस्ट मटेरियल को भी क्या करता है कलेक्ट करता है इट इज़ पम्प थ्रू आउट आवर बॉडी बाय द हर्ट जो हर्ट में हमारे जो थॉट आउट होता है हमारे वो पंप रहता है हर्ट में उसमें भी ये वकता है इट फ्लो फ्लोस थ्रो ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स जो हमारे बॉडी में जो आपको ब्लू ब्लू कलर की देखनी ना उसको क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स ठीक है ब्लड वेसल्स और आ, उनको भी ये क्या करता है कंट्रोलिंग का काम करता है पुट यूअर हैंड्स ऑन योर चेस्ट आपका हैंड जो आपके चेस्ट पे पुट करो रखो रखा कैन यू फील समथिंग गोइंग थम थम आपको ऐसा लग रहा है हैंड रखा है तो आपने कि कुछ आवाज आ रही हो धम धम की ठीक है दिस इज योर हार्ट ये हमारा क्या है हर्ट है ठीक है द हर्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेकअप द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर क्या बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते ठीक है अंडरस्टैंड सेकेंड टॉपिक है हमारा द ब्रीथिंग सिस्टम ठीक है ब्रीथिंग सिस्टम क्या होता है टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड आवर बॉडी नेट्स टू गेट नेट्स द गैस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ये क्या करता है हमारी एन ब्रीथिंग uh, सिस्टम जो रहता है वो हमारी बॉडी में क्या, energy, क्या करता है एनर्जी फूड से एनर्जी गेन होती है एनर्जी लेके क्या करता है गैस ऑक्सीजन और एयर जो रहता है ये सब हमको एनर्जी uh, की आवश्यकता होती है ठीक है हमें इन सब की आवश्यकता होती है ठीक है वि देर फोर ब्रीथ एयर कंटिन्यूसली थ्रॉट अवर नोज ठीक है और वो जो एयर uh, जो रहती है आपको पता है ना ब्रीथ के लिए क्या क्या एयर की नीड होती है तो ये कंटिन्यूसली क्या करता है नोज से एयर को लेता है इट गोज इन टू द लंग्स थ्रोट द वाइट पेप और फिर ये लंग्स तक पहुँचाता है वाइट वाइंड पाइप के द्वारा ठीक है आपको शो हो रहा है पिक्चर में Uh, और फिर क्या होता है इन द लंग्स द ऑक्सीजन इन द एयर गेट्स एब्जॉर्व इन द ब्लड और क्या बोलते वो जो लंग्स रहती है वो क्या करती है ऑक्सीजन को uh, तो एब्जॉर्व कर लेती है पूरी गैस जाती है अपने साथ नोज के साथ तो ऑक्सीजन भी जाएगा नाइट्रोजन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस जाती है बाकी वो ऑक्सीजन एब्जॉर्व कर लेती है लंग्स इट इज़ देन टेकन बाय द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और वो क्या जो ऑक्सीजन रहता है वो ब्लड तक पहुँचाता है ऑल बॉडी पार्ट्स में द नोज वाइन 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 पाइप एंड लंग्स मेक अवर ब्रीथिंग सिस्टम ये सारे मिलकर हमको हमारे क्या बनाते हैं ब्रीथिंग सिस्टम ओके नाउ द डाइजेस्टिंग सिस्टम डाइजेस्टिंग सिस्टम क्या होता है यू नो डैट फूड गिव्स अस एनर्जी फूड हमें क्या बोलते हैं एनर्जी देते हैं फूड हैज़ हैजू बी एब्जोर्व बाय द बॉडी एंड द वेस्ट मटेरियल इन द फूड जो फूड अपन खाते हैं ठीक है थीके? वो हमें एनर्जी देते हैं और ये फूड को जो फूड जो एब्जॉर्व फूड से हम क्या ऑब्जोर्व करते हैं एनर्जी वगैरह सब कुछ ऑब्जोर्व करते हैं ठीक है थीके? तो ये जो हमारा आ, क्या रहता है स्टोमक रहता है वो सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेता है और जो वेस्ट मटेरियल रहता है फूड में भी वेस्ट मटेरियल भी रहता है और जो इम्पोर्टेंट मटेरियल भी रहता है ठीक है तो ये क्या करता है फर्स्ट में क्या करता है अपने माउथ से जब फूड जाता है तो वो ब्रोकन डाउन इंटू टीनी पीसेस टीनी पीसेस में कट करता है दिस इज कॉल्ड डाइजस्निंग इसको डाइजेस्टिंग डाइजेशन फूड बोलते हैं ठीक है ठीके? जो हम छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं माउथ द्वारा द बॉडी सिस्टम विच इट कॉल डाइजेशन सिस्टम और इसको ही हम क्या बोलते हैं डाइजेस्टिंग सिस्टम कर बोलते हैं ठीक है द स्टोमक वेयर इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल सब्सटेंस विथ हेल्प ऑफ सम जूसेस और फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है जूस की हेल्प से ठीक है जो हम वाटर पीते हैं ना पानी पीते हैं उससे हमारा आ, छोटे छोटे सब्टेंस में डिवाइड हो जाता है फूड द स्मॉल इंटेस्टाइन वेर फूड इज़ फर्दर डाइजेशन एंड एबजॉर्ब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें हमारा Uh, जो इम्पोर्टेंट मटेरियल रहता है वो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो कहाँ पर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और वो जाकर हमारी बॉडी से क्या होता है सेंट आउट ऑफ द बॉडी थोट द एन एन द्वारा निकल जाता है वेस्ट मटेरियल ठीक है अब द एक्सटली सिस्टम एक्सटर सिस्टम क्या होता है एज द बॉडी पास टू डू देयर वर्क वेस्ट मटेरियल और प्रोड्यूस्ड ये हमारा वेस्ट न, हमारे बॉडी पार्ट से वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करता है बाहर निकालता है फॉर एग्जाम्पल वेन फूड इज़ कन्वर्टेड इन टू एनर्जी एज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड अगर फूड हमारी एनर्जी को ऐब्जो कर ले फूड से हमारी एनर्जी को ऐबजॉर्व कर लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो प्रोड्यूस कर देता है ठीक है दिस वेस्ट मटेरियल मस्ट बी रिमूव फ्रॉम और वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देता है ठीक है Uh, अगर वेस्ट मेडल को रिमूव नहीं कर देंगे तो क्या हम बीमार हो जाएंगे ठीक है दिस वर्क इज़ डन बाय एक्सपोरेटरी सिस्टम ये एक्सपोरेटरी सिस्टम डन करता है द मैन ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम आर किडनी लंग्स और स्किन ये सब क्या है मेन ऑर्गन्स होते हैं जो किडनी है वो कौन सा काम करती है यूरिन पास करती है हमारी बॉडी में ठीक है और लंग्स क्या काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड को रेड करती है ठीक है और स्किन जो रहती है वो क्या करती है स्वीट जो पसीना निकलता है ना वो निकलती ठीक है द रिप्रोड्यूक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है द ऑर्गेन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प टू रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस uh, बेबीज और इस जो सिस्टम में क्या बोलता है बेबी प्रोड्यूस होते थे, हैं ठीक है मेल और फीमेल से हैव डिफरेंट ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस ठीक है क्या समझ में अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे ठीक है थैंक यू